वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, दिस इज मी ZenFS, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। सो आज मैं आई हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो लेके। तो यार मेरी आवारा गर्दियाँ जो है ना वो तो खत्म हो ही नहीं रही है, सब कह रहे हैं कि आप घूमती बहुत हो। आज मैं ना अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, फिर फ्रेंड्स का नाम आ गया, खैर आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर वगैरह कई जगह पे, ठीक है, घूमने वगैरह करने के लिए, ठीक है, देखते हैं वहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग होता है। ओके गाइस, सो ये मेरी एक अदद फ्रेंड है। वालेकुम अस्सलाम, आप लोग इससे तो मिले ही होंगे, लास्ट टाइम इसके घर ही तो मैंने स्लीप ओवर किया। आउटफिट वगैरह हमने पहन लिया, अभी हमारा काम है दूसरी दोस्त को जाके लेके आना। साइकिल ये चलाएगी और स्कूटी चलाएगी। और यार मेरी बात सुनो, अम्मी जाने से परमिशन नहीं ली मैंने, तो हम तैयार होकर बैठे हैं। मामा से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी तो फिर सब कुछ होता है। ये मेरी मम्मी खड़ी हुई है तो उनसे परमिशन लेते हैं। हेलो मम्मी, कैसी हैं? मैं ठीक। अभी मैं स्कूल से आई और आप देख रही हैं मैंने एकदम से कपड़े भी चेंज कर लिए, तो कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा आपको? जाना मैं तेरी इन हरकतों से तंग आ चुकी हूं। मामा यार अब एक जिंदगी उसको तो खुल के जियो, इंसान घूमे फिरे एंजॉय करे, ऊपर से दोस्तों के सियाज भी शुरू हो जाने। अभी एक ही जिंदगी, हम भी फिर खुल के ही जीते हैं। बच्चे सारे घर छोड़ते हैं और मैं जाती हूँ सैर सपाटे करने। आप क्या करेंगी मेरे बिना? मुझे ले जाकर माँ और बेटी डेट पे जाएंगे। लेके जाती हूँ मैं, लेके जाऊँ? मामा यार दोस्तों का प्लान होता है, आप कैसे? और ऊपर से पीछे बहनों ने चीखने लग जाना है। उससे ही नहीं खत्म होती, तुझे पता ना। फिर हम आपके घर जा रहे थी देने। कब जा रहे हो आप लोग? आज जाना है हमने रात को। चलो रात तक तो मैं फ्री हो जाऊंगी, मैंने बोला तो ड्राइवर अंकल को आप 9-10 बजे तक भेज देना और मैं हो गई फ्री। हम लोग डायरेक्ट में ही बल्कि दोस्तों भी सारी आ जाएंगी। कहना है कि ज़ैनब भी वजीर आजम हो गई, आती है टाइम के टाइम। तो यार हूँ ना वजीर आजम, ऐसे टाइम के टाइम आना होता है। मैंने आंटी चली गई हमारे साथ, बस आंटी चली जाए घर पीछे से होएगा घूम। आंटी नहीं जा सकती, आंटी के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, मामा पे बहुत जिम्मेदारी है। जो तुम जैसी एज की उम्र होती है ना, यही रिलैक्सेशन की उम्र होती है। इसे कहा रिलैक्स है ये? हम लेकिन एंजॉय तो करते हैं, एंजॉय तो करते हैं, लेकिन गाइस रिलैक्स, बहुत रिलैक्स गाइस, मैं कह रही हूँ बहुत रिलैक्स। जी बड़ी हो जा फिर तुझे पता चलेगा जिम्मेदारी क्या होती है। इधर मुंह उठाया दोस्तों के साथ, इधर उठाया दोस्तों के साथ, फिर ड्राइवर ने गलवा ले जवा ले जवा ले। खुद ड्राइविंग की बारी, रिस्पांसिबिलिटी की बारी आएगी ना, तब पता चलेगा कि ड्राइविंग वगैरह करनी है या नहीं। ग्रुप बनाया हुआ है दोस्तों का, सारी लटोर बनी हुई है, कभी किधर कभी किधर। देखो घूमना होता है ना, अभी पेपर स्टार्ट हो जाने, फिर पढ़ाई का बर्डन आ जाना, इसलिए कह रहे हैं अभी भी घूम ले, पेपर आए फिर छुट्टी करें हम सारे। ईद पे घूमना ही है हमें, ईद पे तो फैमिली साथ होता है, दोस्तों साथ थोड़ी होता है। मेरा हाथ थक गया कैमरा पकड़ के। आओ चांद रात मनाने चलते हैं बाहर, मैं दोस्तों साथ चांद रात भी बाहर मना रही हूं। तो सारे काम दोस्तों साथ कर, बाजी जा तू जा जा। मैं नहीं यार मिल गए, लेकिन मेरा व्लॉग है ही इस टाइप का कि दोस्तों की एज वैसी है ना यार, तो दोस्तों की जिंदगी दोस्तों से ज्यादा जुड़ी हुई है। किसी के दोस्त नहीं हो सकते यार, मेरे बहुत दोस्त है वैसे। दोस्त को लेने जा रहे हैं साइकिल पे और स्कूटी करेंगे ना, तो उसमें सिर्फ तेरी दोस्त ही होंगी, सारी दोस्त सारी दोस्तें आएंगी। मेरे बटन करो, बारात लेकर आ रही होंगी, घर का मेंबर ही नहीं होगा, सारे टुकड़े लग के रो रहे होंगे। अच्छा अभी जा रहे हैं हम लोग दूसरी दोस्त को लेने के लिए, ठीक है, जो पास से आती है। साइकिल तुम चलाओगी और मैं चलाऊंगी स्कूटी, ब्रुम ब्रुम करके जाते हैं। और तैयार होके काम करके प्लान बना के मम्मा जी मुझे इजाजत दे। गाइस आपने कभी सुने तैयार होके परमिशन लिया करो? मामा ना नहीं करेंगे। एक दफा मैं तैयार होके मामा से परमिशन ली, रोने रोने निकले मेरे, जो मम्मा ने इजाजत दी, मामा के बहनों ने नहीं इजाजत। अब दोस्त को साथ खड़ा कर लिया, मैं ना इनकार कर सकती हूँ ना हाँ कर सकती हूँ, क्या कहूँ बस। हाँ कहते मम्मा, हाँ 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 करने में टाइम ही क्या लगता है, बस हो गया हमारा काम। सोया को हमने पिक कर लिया। हेलो कैसी, अपनी लुक दिखाओ फौरन। इसने जीन्स लिए बहुत प्यारी और कब से मुझे जेलस करा रही है। खैर आपको अपनी लुक बाजा के दिखाऊंगी, इसकी लुक देखे चेंज कर लिए इसने आके। खैर जल्दी जल्दी आ जाओ, लेट हो रहे हैं। ओके मम्मी वी आर गोइंग। ओके यार बाय। पैसा किसने देना है? सही पैसे भी चाहिए होते हैं। मैं यार देखो पैसा हमेशा याद रखो, बच्चों को पैसा दे के भेजो चाहे यूज करे या ना करे इंसान। बच्चों को पैसा चला के लड़ानी पड़ती है यार। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, सही है। तो अभी मेरा ले दिया है फिट चेक लो मेरा। गाइस ये मेरा फिट चेक है। आप लोग सोचोगे यार मैंने काला काला क्यों पहने, बिकॉज आई लव ब्लैक कलर सो मच। और ये इन दोनों आई लव यू कल्लू, मुझे कह रही है आई लव यू कल्लू। ए कल्लू जा बे, सारे यहाँ पे इफ्तारी वगैरह करने आए हुए हैं, तो हमने भी इफ्तारी करनी है, लेकिन इफ्तारी का भी टाइम नहीं है, हम जरा जल्दी आ गए ना, जल्दी पर्सन है हम लोग। गर्ज हमारी एक और दोस्त ने आना है, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है, हम इतना वेट कर रहे हैं उसके, अब देखते हैं। खैर अभी हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। भूख लग रही है, गंदी शक्ल ली है, भूख लग रही है, रोजा है ना, रोजा है, इतनी ज्यादा भूख लगी है कि मैं क्या बताऊँ। ऊपर से अभी तक कोई रेस्टोरेंट नहीं खुले, लोग आके बैठे कि उन्होंने आके इफ्तारी करनी है,
तो लोग जल्दी जल्दी से आए ताकि हम खाना ढूंढे मुझे अभी रात होगी ना फिर मैं जाएगा क्योंकि हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह करने भी देखना है मतलब सामान देखेंगे ओके गाइस सो फाइनली खाना वगैरह जो है वो हमारा आ चुका है आर यू गाइस एक्साइटेड आप एक्साइटेड हो बस मेरा बहुत दिल कर रहा है खाना खाने का हमने मंगवाया पिज्जा साथ अल्फ्रेडो पास्ता यार हमने ना जरा हमने कहा पैसे की बचत करनी चाहिए तो हमने कहा सस्ता सस्ता खाना मंगवाएंगे तो यू नो पैसे कम लाए ना यार ऊपर से जो हमारी बाकी दोस्त है उन्होंने हमें डिस्क करा दिया तो बिल्कुल ही आई नहीं वो कह रही है इफ्तारी के बाद आएंगे देखते हैं आती है या नहीं लेट्स सी और फॉर द बेस्ट के बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है ना करनी है ना बस डन करो मैंने लेना है गुची का बैग क्या देखिए मिलाना गाइस हम लोग इस जगह पे आए और यहाँ पे पानी आ रहा है ऐसा लग रहा है इन्होंने पहले कभी पानी नहीं देखा है गाइस रुक जाओ पानी से खेलने वाली कोई चीज नहीं होती है ना करो भीग जाओगे पागल हो मेरे साथ अगर किसी ने हरकत की तो मारूंगी मैं जाओ गाइस जाओ ये लोग पागल हुए पड़े मैं जाऊँ अपनी जींस पकड़ के गाइस हम लोग अब फाइनली आ ही गए तो हमने सोचा कि हम क्यों ना शॉपिंग वगैरह कर ले तो डायरेक्ट हम जाएंगे क्रिस्टन डियोर यहाँ पे है क्रिस्टन डियोर सामान हाँ है yes. यहाँ पे आके हमने क्रिस्टन डियोर देखते देखते उनकी प्राइजेस क्या है तो मेरा तो दिल कर है मैं एक दो ले ही लूँ बैग चाहिए किसी को एक दो बैग प्लीज मैं आज की आपकी शुगर मम्मी हूँ लेट्स गो अब ले के देना है यार मैं तो बता के थी कौन हो आप दोनों वाली चप्पल मैं आपको लेकर दूंगी बैग इसको लेके दूंगी क्रिस्टन डियोर की चप्पल ठीक है मतलब चप्पल मारने वाली घर में पड़ी हुई है मारूंगी ज़ैनब को मारेंगे फैंसी चप्पल क्रिस्टन डियोर अभी उन्होंने बोले हमारी औकात से भाई हमारी आया कही थी हमारी औकात से भी बाहर और वो कह रहे हैं अभी इस वक्त बंद है हो गई ना मिस्टी तो और क्या बस इधर से ही सब कुछ मिलता था आगे देखते हैं क्योंकि शॉपिंग वगैरह तो करनी है ना ऐसे थोड़ी होता है गाइस ये लोग मुझे बुटीक ले आए नहीं कौन सी तो कह रहे हैं ईद की शॉपिंग कर लेते हैं ईद की शॉपिंग ऐसे जैसे हम लोग पता नहीं मोमीज है कोई यहाँ की और हम लोग कर लेते हैं वैसे कपड़े तो अच्छे पड़े हैं दिल तो चाह रहे हैं लेने का मेरा गाइस ये अंदर क्लासेस के जाते हैं यहाँ से यार ये लूजर्स को पहली बार मैं लेकर आ गई उन लोगों को पता ही नहीं अंदर कैसे हमें लग रहा था हम किसी मेज में आ गए और देखो ये इतना अच्छा है कि खाली पड़ा ये ड्रेसेस चेक करो हैवी 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 प्राइसेस यार बहनों ने तो शॉपिंग कर लिया मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से ईद की शॉपिंग कर लूँ और हम लोग आए ऐसे जैसे हमारे कार्ड में एक एक लाख भरा हुआ है ये ड्रेसेस है सारे टेन ऐसे प्यारे ड्रेसेस है यहाँ पे भी सोच रही हूँ कुछ ले लूँ या फिर मतलब व्लॉग में शूट कर लूँ और मामा से कहूँ यहाँ आके हम लोग खरीद सकते हैं ईद के लिए यार फ्लेक्स मारिए कि उसके घर में भी ऐसी स्टेयर्स है यार मेरे घर में ही नहीं है सिर्फ ऐसी स्टेयर्स तो काफ़ी प्यारी हैं सारा टूअर ही दे देते हैं आपको ऊपर क्या है ओ यार ऊपर ऊपर ज्यादा अच्छे कपड़े पड़े हुए लग रहे हैं मुझे यार हया ईद पे तुम ये पहन लो इधर आओ हया के लिए मैंने आउटफिट निकाला है खुल चुका है पहले बंद था लेकिन अब ये खुल चुका है हम फाइनली एंटर हो गए पहले पूछो खुल गए अंकल ये खुल गए लेट्स गो गाइस पता नहीं मुझे कहाँ पे लेकर जा रही है और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये काफी मैंने सुना यहाँ पे 1,00,000 अच्छा तो फाइनली अब हम जाते हैं ऊपर ऊपर है बैग हया कैलरीज बर्न करो चुपचाप ऐसे स्टेयर्स यूज किया करो मोटा नहीं होता इंसान मोटा नहीं होता ऊपर चलते हैं यार ऊपर काफी प्यारा प्यारा लुकिंग लग रही है मुझे ऊपर मेरे ख्याल से सिर्फ परफ्यूम्स हैं मैं भी कहाँ जा रही हूँ परफ्यूम्स है मैं सही कह रही थी हया लिफ्ट नाम की चीज है मैं लिफ्ट में जाऊंगी लिफ्ट आ जा गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुची शूची के पास लोगो शोगो तो चेक करो यार भाई बस लेने आ गया गाइस यहां पे खाली आता है चेक करो क्या क्या है ये सब ओरिजिनल ही होता है हाँ ओरिजिनल ही होता है क्या कौन कौन सा ब्रांड है यहाँ पे गुची मिलेगा आपको और पराडा भी मिलेगा आपको सस्ते प्राइस में नहीं मिलेगा गाइस मैंने फामा के लिए एक बैग सोना लग रहा है सोने का बैग मैंने फामा के लिए खरीदा है सही है कितने का है 7,50,000 नहीं एक दिन आऊंगी मैं 7,00,000 का लेके जाऊंगी 7,00,000 का बैग वैसे मुझे लगा 7,000 का गाइस हया के लिए भी मैंने जूते निकाल लिए हुए हैं ये जूते निकाले हैं ये किस कौन सा ब्रांड है बताओ एम्पोरियम मॉल अरमानी के जूते कितने के लेडीज के नहीं होते अरमानी शर्मानी के अच्छा तो गुची शूची भी है ओ ये मेरे पास है क्लोई का हम वहाँ से लाए थे टर्की से ही लाए थे ये कितने का जूता है स्टन डियोर कितना प्यारा है कितने का 2,30,000 नाइस लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ 2 रुपए सुनाई दी लेकिन हम इसको भी रख देते हैं जैनब की पिटाई करते हैं काफी लेकिन यार इनकी चीजें तो चेक करो ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है एमके कौन और ये क्रिस्टन भी और ये भी कुछ है ये भी कुछ है ये भी कुछ आपको क्या चाहिए जैनब की औकात से बाहर सब कुछ यार हमारे पास यार कितना वैसे और लेकिन मैं बताऊँ चीज भी वैसी होती है टूटती वूटती नहीं है तो
आपको मेरी बर्थडे आ रही है गाइस, तो गाइस मेरी भी बर्थडे आ रही है, मेरी भी बर्थडे आ रही है, वो देख रहे हैं, गौर से दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको, मैं दिखाती हूँ, टूर करा देती हूँ आपको, मेरी बर्थडे आ रही है सही वाली, मेरी बर्थडे आ रही है 11 जून, देख लो नहीं मेरी बर्थडे यहाँ की आ रही है August 27। ये मैं कमिटमेंट कर चुकी हूँ, ये मेरा मेरी बर्थडे आ रही है, रख वापिस, रख वापिस, गिरा हुआ बंदा जमा नीचे वाली अंकल ने ना हमें लिटरल से बाहर फेंकने क्योंकि औकात नहीं आ गई है मुंह का। ये क्या है और ये कितने का छोटा सा पर्सी, चीजों को नापाक करके नाम क्या है इसका, जैक औकात से बाहर, औकात से बाहर, इस व्लॉग का नाम होगा औकात से बाहर, व्लॉग का नाम होगा औकात से बाहर चीजें लेने खरीदे, कितने क्यूट है ये भी जैकुई मिस, ये कितने के है, पूरा क्या था 13, 1 लाख का छोटा, 1 लाख का है, 7 करोड़ औकात से बाहर, गाइस मैं इधर हूं, मैं मेरी बर्थडे आ रही है प्लीज, मैं आप लोगों को होलसेल मार्केट से ले दूंगी गाइस, लिबर्टी चले हम है ना कि ब्रांडेड चीजों पे आग लगाओ, बाप की शॉप है मेरे बाबा की, एक दिन बाप की शॉप आई, बाप यो यो क्या अच्छा इसके बाप के पास है, मेरे बाबा जी के पास तो ये पूरी की पूरी शॉप है, मैं वही टूर कराने आई हुई हूँ आप लोगों को, मेरे बाबा की सही में शॉप है, कवाली क्या कवाली, कवाली कहाँ पे लिखा है, कवाली कवाली कोई कवाली कोई होगा ना यार, हम जैसे लोगों को क्या पता, थैंक यू सो मच अंकल, मैं वापस आऊंगी पूरी शॉप को खरीद के जाऊंगी, अल्लाह हाफिज, बल्कि मैं पूरी शॉप ऑन करूंगी इंशाल्लाह, बस इतने इतने ख्वाब देखते रहे बढ़ते रहे, और लेट्स गो गाइस, ये देखो यहाँ पे इतना प्यारा मेकअप है, मैं हिरापी को हाईली रिकमेंड करती हूं, कहां से बाहर एक मेकअप है और कहां से आनी, ये हिरापी के पास ये वाला है, इको नाम है क्या नाम है इसका, जो भी आप दो चेक करो मेकअप, हिरापी को मेकअप इतना पसंद है, मैं आप लोगों को क्या प्राइस है, हां 1500 की है नहीं 5300 मेरी 53 लाख 100 लेकिन गाइस लुक एट द मेकअप, काफी प्यारा मेकअप है, पूरा टूर करा देती हूं, यहां जरूर आए, और ये शीशे में देख लो यार मुझे, निकलो जल्दी से, बहुत शॉपिंग कर लिया, नेक्स्ट टाइम जरूर हम गाइस हमारे बैग देखें, बैग चेक करें, इनविजिबल है वो आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन विल शॉप अगेन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मजा आया, ओके बस यार मुझे लगता है अपने बैग ऊपर भूल आई, गुची का बैग तो ऊपर है क्या, जरा उनको बोल के आते गाइस हम अपने बैग ऊपर भूल आए, हमने बिल करा दिया उस बैग ऊपर रह गए, घर डिलीवर करवा देंगे, हां घर डिलीवर, बस घर हमारे सब आएगा फिर हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, लेट्स गो, ओ गाइस सो फाइनली हम लोग गाड़ी में आके आ चुके हैं, सही है मैं वो पार्ट लेना भूल गई हूं, ये तैयार है घर, इसके बाबा वेट कर रहे हैं, कब से हमारे साथ इतना बुरा सीन हुआ था, कोई छोड़ने वाला ही नहीं था, मतलब हमें घर, अब आप ही के घर भी जाना है ठीक है, वहाँ पे भी मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ, चलो मैं जा रही हूँ, बाय बाय, लव यू सो मच, बाय कर दे अपनी दोस्त को, अब कल मिल रहे हैं इनके साथ, सही है कल इफ्तारी है तो कल मिलते हैं, बाय बाय फामा, ओके सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, खा के सके क्या ही खाए हैं हम लोग, बस पहुंच गए आप ही के घर, अब ये मैडम भी आ चुकी है मेरे घर, अब अंकल को जी 300 रुपया देना है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, अब ब्रोक हुए हुए हैं, वहाँ पे भी हमने काफ़ी महंगे महंगे बैग देखे, घर जाके सबको भी बताते हैं, खैर घर क्या आप ही के घर आया हूँ, अभी मामा ने कहा डायरेक्ट यहाँ पे आना है, तो जल्दी से कोई दरवाजा खोले, गाइस आप ही के घर आके मेरे साथ धोखा हुआ है कि मेरे घर वाले यहाँ पे नहीं है, वेयर इज माय घर वाले, मैं तो मेरी टांगे तोड़ देनी अगर तुमने दोबारा और एक दफा कहा कि तुम्हारे घर वाले, गाइस मैं आप ही के ब्लॉग में उनको बहुत तंग कर चुकी हूँ कि घर वाले कहाँ हैं, घर वाले कहाँ हैं, आप ही तो मेरी आधी घर वाली है, मैं तुम्हारी साली हूँ, जो भी आप ही तो मेरी पूरी की पूरी घर वाली बहन है यार, लेकिन बाकी कहाँ है सारे यार, नहीं आई, मतलब उन्होंने डिच कराई है इस बेचारी को, मैं अपने साथ उठा के ले आई हूँ, और अभी उन्होंने आना, और उन्होंने खुद काटे आप ही टैलेंट ये वो डोरा डॉल की नहीं होती जिस तरह है ना अच्छी लगे, तारीफ हो गया, बस इको बूस्ट हो जाए, नहीं मेरे इतने ही बाल देखो, घर मेरे बाल लंबे हो गए हैं लंबे, अच्छा खैर अब घर वाले आते हैं, उनको मैं जरा पूछती हूँ ना कि मुझे बुला के यहाँ खुद आए नहीं अब तक, मामा आपने मेरे साथ क्या हरकत की है, अब आए हो आप लोग, कहा आप ही के घर चली जाओ, सब वही है, मैंने कहा चलो निकलने वाले होंगे 11:30, ये नहीं पता कि आप लोग ही लेट हो, रूट ले रहे थे रास्ते में इसलिए लेट हो रहे हैं, तो तुम अच्छा हुआ जल्दी पहुँच गए, कब से हम लोग बैठे वो हम लोग ऐसे फिर रहे मजा आया, ये तो अच्छी बात है तुम हमसे पहले पहुंच गई, इतनी महंगी महंगी हमने वहाँ चीजें देखी, हमने कहा एक दिन हम वो शॉप खरीदेंगे पूरी की पूरी, अच्छी बात है जी, 4-4 लाख का एक एक बैग था, तुम आइंदा जाओगी नहीं उस शॉप, लेकिन बहुत शॉप प्यारी थी, आया को पता शॉप प्यारी थी ना, अच्छा बाकी क्या सारी, बाकी क्या उनको घर छोड़ दिया, बस घर चली गई वो आपस में, हम यहाँ पे आ गए, पहुँच गई थी सही सलामत, पहुंच गया था अच्छा बच्चा, गुड बॉय सही सलामत पहुंच जाता।